खबर जोधपुर के लूनी से है, जहां शुभ दंड ग्राम पंचायत के सनई गांव में दो पॉजिटिव मिलने के बाद पूरा प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। इसके बाद दोनों पॉजिटिव मरीजों को जोधपुर के लिए रेफर किया गया, तो वहीं प्रशासन ने दोनों से मिली ट्रैवल हिस्ट्री के आधार पर आगे की कार्रवाई शुरू की है और परिवार वालों को गाँव के स्कूल में स्थित सेंटर पर ठहराया है। जोधपुर के लूनी से आपको खबर बता रहे हैं, यहाँ पर सनई गांव जो है वहां पर दो पॉजिटिव मरीज पाए गए और पूरे इलाके में मरीजों के मिलने के बाद में यहाँ पर हड़कंप मच गया। प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर हो चला है। हालांकि दोनों पॉजिटिव मरीजों को वहां से उपचार के लिए जोधपुर रेफर कर दिया गया है। जोधपुर के लूनी से दो पॉजिटिव मरीज सनई गांव से पाए गए और पूरे गांव में यहां पर पॉजिटिव मरीजों के मिलने के बाद में हड़कंप मच गया। प्रशासन एकदम से अलर्ट मोड पर है, वहां पर सैनिटाइजेशन और तमाम वो इंतजाम किए जा रहे हैं जिस प्रकार से पूरे गांव में संक्रमण ना फैले, लोग इसकी चक्रव्यूह से बचे रहे। दोनों मरीजों को जोधपुर के लिए रेफर कर दिया गया है इलाज के लिए, बेहतर इलाज के लिए। और साथ ही में तस्वीरों में देख सकते हैं आप, सनई गांव की तस्वीर है, लूनी के सनई गांव से ये पूरा मामला। पुलिस प्रशासन वहां पर मौजूद है और साथ ही में तेजी से यहां पर लोगों की स्क्रीनिंग भी की जा रही है। गांव के जिस जगह से ये व्यक्ति पॉजिटिव पाए गए वहां पर पूरे इलाके को सील कर दिया गया है और लगातार वहां पर। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए वन संवाददाता दयाल सिंह जोधपुर से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दयाल, पूरा क्या ये मामला रहा, क्योंकि जोधपुर शहर से अब गांव में भी इसने दस्तक दे दी है कोरोना ने अपनी। देखिए ज्योति, बताना चाहूंगा, निश्चित तौर पे जोधपुर में जो पहले शहर में लगातार पॉजिटिव मामले मिल रहे थे और उसके बाद अब कहा जा सकता है जिस तरह से बाहर से लोग शहर जोधपुर में जिले में पहुंच रहे हैं, तब से ग्रामीण साइड में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। इसी के चलते लूनी, बिलाड़ा, ओस या तिवरी आदि क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लगातार प्रवासी जो श्रमिक जो जोधपुर जिले के थे वो बाहर रहते वो पहुंचे, उनमें ये कोरोना डिजीज मिलने लगी है। जी दयाल, क्या वो कारण रहे कि इतने ज्यादा एहतियात के बाद में भी ऐसे मरीज जिनकी कहा जा रहा था कि पहले पहुंचने के बाद में उन्हें क्वारंटीन किया जाएगा, उसके बाद उनकी स्क्रीनिंग फिर से की जाएगी, तो क्या वो ऐसे ही पहुंच गए? निश्चित तौर पे ज्योति, कहा जा सकता है कि जिस तरह से व्यवस्था क्वारंटाइन करने की सरकार ने बना रखी है, इस व्यवस्था को तोड़ते हुए कई लोग गांवों के अंदर पहले ही आ चुके थे, बिना बताए घरों में चले गए थे, उसी के चलते ये डिजीज जो है अब ग्रामीणों साइड में ज्यादा फैल रही है। जो कोरोना के जो क्वारंटाइन किए हुए लोग हैं उनमें ना मिलके घरों में ये डिजीज मिल रही है। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया दयाल।